फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के समय से, और शाम के समय के साथ गाँव के खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो एक बार व्यू भी दिखा देते हैं कि हमारे चारों तरफ का व्यू कैसा दिखाई दे। तो अभी हम आ गए हैं चाची जी के घर में, उनके किचन गार्डन में। तो ये बोल रहे हैं कि इनको तोड़ लो, ये खराब हो जाएंगे, तोड़ लेते हैं। ये सामने लगे हुए हैं गलगल, जिसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं खट्टे। और सामने आपको बेलें दिखाई दे रही होगी, बहुत ज्यादा ये लौंकू की बेलें, जिसकी सब्जी मैं आज बनाऊंगी। लौंकड़ू 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 बोला जाती है, लौंकू लौंकड़ू। हाँ, वो देखो, मैं एक दिखा भी देता हूँ। ये लगा हुआ है, छोटे छोटे। और बैंगन मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि बड़े हो गए, फिर खराब हो जाएंगे। मुझे भी दो। क्या बेटा? बैंगन सीधा सा है, बैंगन सीधा सा। तो पैसा है, छुट्टी हो रही है, तोड़ नहीं होया जाती खट्टा तैयार ना कि पहले देखा। और एक और प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गरम मसाला, जो कि हम पत्रोड़े, जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई भी है, उसमें डालते हैं। और एक ये है, और एक होता है लौंग मसाला, वो भी यहाँ पे है। ये देखिए, इसको बोलते हैं लौंग मसाला, और ये भादरी। ये दोनों जो हैं पत्रोड़ों में पड़ते हैं, और बहुत टेस्टी पत्रोड़े अरबी के पत्तों के बन के रेडी होते हैं। आज मैंने आपको किचन गार्डन के जो भी है वो आपको दिखा दिया। और ये पहाड़ी इलाके हैं, तो किचन गार्डन यहाँ पर ऐसे ही होते हैं, ऊपर नीचे, प्लेन वाले नहीं होते। और ये कुछ चले गए हैं नीचे की ओर, तो इनको ये निकाल रहे हैं डंडे की सहायता से ना नीचे के। मत दिन बाद दूसरे वो नन्नू गए भी नहीं है ना घर है, नौनू दीदी भी समझाए। बस बस इंगे चक्के लिया इंगे डाले टूटना क्या? नहीं मेरा टूट जाना और ना टहनिया। और यहाँ पे बहुत सारे गलगल भी हैं, जिनको हम खाएंगे धूप में बैठ के बना के। बस ओ ये नीचे का पता मन लगी कर दौड़ा ना। तो दिखाई दे रहा होगा कि घास जो कि ऐसे बना के रख दिया है, जिसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं कुंदली। और मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे इस घास को हम इकट्ठा करके स्टोर करके रख लेते हैं, इसको बोलते हैं कुंदली। और इसको तब यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा ठंडी यहाँ पे हो जाती है, तो घास लाई नहीं जाती, तो इसको यूज करते हैं। और ये है लौंकड़ू का बगीचा, इस बार बहुत सारे लौंकड़ू लगे हुए हैं, पूरा फैला हुआ है नीचे, पूरा फैला हुआ है, ये पूरे पेड़ पे भी चढ़ गए। जहाँ पे चाची जी रहते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि चूल्हे में जलाने के काम आती हैं, ये ऐसे अंदर स्टोर कर दिए ताकि बारिश से भीगे नहीं और अच्छे से जल जाए। और ये घास लाए हुए हैं, ये ऐसे रखा है क्योंकि अभी घास सूख गया है, तो सूखा घास है। और कुछ और ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन पेड़ों का घास के पत्ते जो है हम लाते हैं और मिक्स करके फिर भैंस को खिलाते हैं। अभी हम चाची के घर आए हैं, तो अब यहाँ पे बैठ गए हैं, और चाची जी भी चाय पी के चले गए हैं फिर से अपनी भैंस को अंदर बांधने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और ये है हमारी छोटी सिस्टर ननद, मेरी छोटी छोटी, और कॉलेज से आके इसने हमें गर्म गर्म चाय भी पिला दी, और बहुत टेस्टी चाय बनी थी। थैंक यू, वेलकम। और आर्स जो पी रहा है, पूरे मजे ले रहा है ये तो घर में चाय के, ठंडी ठंडी में। तो अब हम भी चलते हैं, क्योंकि मुझे भी अभी बनाना है खाना जाके। मैं तो इधर ही रहूंगा, अभी बना रही है मम्मी ने, और दीदी का तो बन गया खाना, मुझे बनाना है दिनर। और दीदी का तो डिनर बन गया है, क्योंकि ये अभी कॉलेज से पहुंचे 5 बजे, आके सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम को पहुंचते हैं, तो चाची ने इनके लिए खाना बना दिया है। अभी करेंगे थोड़ी पढ़ाई, फिर खाएंगे खाना, और मैं भी जाके बनाती हूँ।
फ्रेंड्स, तो अभी चाची जी के घर पे गए थे, मतलब चाची सास, तो वहाँ से हम आ गए हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी मेरी रेडी हो गई है और खाना बन रहा है चूल्हे पे। ऐसा नहीं है कि हम चूल्हे पे डिपेंड है, गैस भी है, इंडक्शन भी है, लेकिन पहाड़ी चूल्हा है तो चूल्हा होना तो जरूरी है। और अब इसका थोड़ी मॉडिफिकेशन भी हो गई है, तो ज्यादा आदमी यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, जो इनको अच्छा नहीं लगता। और सब्जी मैं बना रही हूँ, ये बनाई आज मैंने सब्जी, लौंग कड़ू थी, जो मैंने आपको बहुत झाड़ दिखाए चाची जी के किचन गार्डन में, बहुत सारे इसके झाड़ हो गए और बहुत लग रहे हैं, नीचे भी बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो नहीं, बेलों का बहुत झाड़ चढ़ गया है ना, वही है। तो हमें भी दिए थे तो मम्मी जी ने काट रखे थे, तो मैंने फटाफट से बना दी और उनके तो मतलब नीचे भी बहुत हो गया है। तो अभी फटाफट से यहीं पे बनेगी चपाती। और आजकल तो ठंड है तो चूल्हे के पास से उठने का मन नहीं करता है जी, और सभी खाना बनाने के लिए रेडी रहते हैं। डिनर का टाइम हो गया है, तो मैंने पड़ी हूँ चपातियाँ बनाने, तो अभी गर्मा गर्म चपातियाँ चूल्हे पे बन रही हैं और बना रही हूँ। और अनुज कर रहे हैं उनको फुलाने में हेल्प, क्योंकि इनकी चपातियाँ बहुत अच्छे से फूल जाती हैं सारी, मेरी कुछ मिस भी हो जाती हैं, लेकिन ये पूरी चपातियों को फुलाते हैं, बोलते हैं फूल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये वही काम कर रहे हैं, बाकी बस मैं कैमरा थोड़ा अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से चपातियाँ और कैमरा करती हूँ ऑफ, आपको मिलते हैं बाद में। चूल्हे पे चपातियाँ बनती हैं ना, उनका टेस्ट अलग ही होता है, बहुत टेस्टी वो खाने में लग। तो मैं भी इसके बाद खाना खाती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।